आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल में जो डिस्चार्ज रॉड होती है उसके विषय में जानेंगे कि डिस्चार्ज रॉड क्या होती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, इसका हम कहाँ पर उपयोग करते हैं और यदि हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। इंटरव्यू में भी आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप क्या जवाब देंगे वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल में जो डिस्चार्ज रॉड होती है वो इस प्रकार से कुछ होती है। इस प्रकार से एक रॉड होती है और उस रॉड में इस प्रकार से क्लिप होती है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक क्लिप है, यह क्लिप होती है। इस क्लिप का उपयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, अब आइए समझते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यदि आप काम करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मतलब दो प्रकार का होता है आपका। पहला होता है हमारा HT होता है और दूसरा होता है हमारा LT होता है। बाकी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, EHT भी होता है, ठीक है। तो कई प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज जो होती है वो कई प्रकार की होती है। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है नॉर्मल रूप से वो हमारी LT और HT ही होती है। मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर में आपको काम करना है तो जैसे ही आपका होगा कि आप सप्लाई को बंद कराएंगे, अब चूंकि इसकी जो प्राइमरी साइड होती है उसमें जो वोल्टेज आती है वो 11 kV की वोल्टेज आती है और इसकी आउटपुट कितनी होती है, 415 वोल्ट की आउटपुट होती है। तो चूंकि 415 वोल्ट तो वोल्टेज कम होता है लेकिन जो 11 kV की जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यदि आप और वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ती चली जाएगी। मान 33 kV हुई तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि 11 kV है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब होगा क्या, जब आप इसकी सप्लाई को आप बंद कर देंगे, जिधर HT सप्लाई कनेक्ट की गई है उस साइड में कुछ ना कुछ चार्ज बचा रह जाता है जब आप सप्लाई को बंद कर देंगे तब भी। अब अगर मान लीजिए कि कल्पना करते हैं, मान लीजिए 1 kV भी सप्लाई यदि बची हुई है और यदि आपने इसको छू लिया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक बहुत तगड़ा सा लगेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि 220 वोल्ट का झटका तो आदमी सह नहीं सकता है। अगर 1 kV की सप्लाई का झटका लग गया तो कितना भयानक शॉक लगेगा। तो यहाँ पर आपको सेफ्टी की जरूरत पड़ती है, या जैसे मान लीजिए इस प्रकार से CTPT है उसमें यदि आपको काम करना है तो, या इस प्रकार से जो लगा हुआ था CTPT तो इसमें यदि आपको मतलब मिला करके LT साइड हो चाहे HT साइड हो, कहीं पर भी यदि आपको काम करना है तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर यह ज़रूरत पड़ती है इस जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो रॉड होता है इसका, डिस्चार्ज रॉड हो जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो हिस्सा होता है इसमें देखिए रॉड में एक तार से साथ में एक क्लिप कनेक्टेड होती है और देखिए यहाँ पर ये आगे देखिए एक हुक टाइप में लगा हुआ है। अब इस हुक का काम क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये PVC प्लास्टिक का एक मतलब पकड़ने के लिए होता है और इस ही चीज़ को, यह जो क्लिप होती है ना, इस क्लिप को हम क्या करते हैं, जो हमारी अर्थिंग होती है वहाँ पर हम इस क्लिप को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब इस क्लिप को हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यह चूंकि अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो गया और अब यह पूरा का पूरा जो रॉड होता है यह मेटल का होता है, ठीक है, उसके साथ क्लिप भी मेटल की होती है। अब इस क्लिप को चूंकि ये हिस्सा जो है एक तरफ से जो तार है वो अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है, अब इस तार को उठा करके आपको जब सप्लाई आपकी बंद हो गई तो जो आपका HT साइड होगा और LT साइड होगा दोनों साइड में इस क्लिप को आप, इस हुक को आप टच कराएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आप टच कराएंगे तो क्या होगा, जो भी लीकेज होगी वो इसके माध्यम से ज़मीन में चली जाएगी। तो वहाँ पर जो भी चार्ज होगा, जो मैंने आपको बताया ना 1 kV के आसपास जो चार्ज होगा, आधा kV का जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज जो है वो ज़मीन में ग्राउंड हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप CTPT में काम कर रहे हैं, इसको भी डिस्चार्ज करने की ज़रूरत है। इस वाले हिस्से को आप इस हुक के साथ में आप टच कराएं और चूंकि एक हिस्सा जो है अर्थ के साथ में कनेक्टेड ही है तो आप जब से टच कराएंगे तो इसके माध्यम से जो मतलब जो लीकेज, मतलब जो उसमें जो करंट बचा हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है वो इसके माध्यम से ज़मीन में चली जाएगी और जो शॉक या कोई घटना होने वाली थी वो घटना बच जाएगी इस प्रकार से। या ये जो हुक होता है, इस हुक को चूंकि इसकी जो एंगल होते हैं जो इसके ये पूरे के पूरे अर्थ के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो इसमें आप कहीं पर कस के टाइट कर दीजिए और उसके बाद इस हुक को आप इनके साथ में सप्लाई कटने के बाद, यदि आप सप्लाई के चालू में करेंगे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। सप्लाई कटने की बाद की बात हो रही है, जब आपको काम करना है उस दौरान की बात कर रहा हूँ। इस हुक को आपको यहाँ पर टच कराना है तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी लीकेज वो इसके माध्यम से ज़मीन में चली जाएगी,
फिर आप आराम से काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी आपको करने की ज़रूरत पड़ती है, जब भी आप एच टी सप्लाई में काम करें इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मान लीजिए आपकी जो इस प्रकार से सप्लाई है, ठीक है, इस प्रकार से आपकी तीन फेज जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 11 केवी की ही सप्लाई आपकी चल रही है। अब जब ये सप्लाई कट गई, अब फिर इसमें आपको यदि काम करना है तो एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, यह जो मतलब जो स्टैंड होता है ना जिसके ऊपर तार कनेक्टेड होता है, पोल जो होता है, यह ज़मीन के साथ में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, मान लीजिए ये सप्लाई आपकी जा रही है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि इधर से सप्लाई हमारी आ रही है और इधर सप्लाई जा रही है। तो अब आपको क्या करना है, इधर साइड से सप्लाई आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चैन लेना है और उस चैन से तीनों फेसों को इस प्रकार से आपको एक जम्पर डाल देना है, तीनों फेस इस प्रकार से कनेक्टेड हो, और इसको ला करके इसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए, अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। अब इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए किसी ने गलती से या इंटेंशनली सप्लाई को ऑन कर दिया, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जैसे तीनों फेस आएंगे यहाँ पर, अब चूंकि यह तीनों यहाँ पर शॉर्ट है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अर्थ के साथ में कनेक्टेड है, तो ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाएगा, ब्रेकर ऑन ही नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके आगे नहीं जाने पाएगी। अब वहाँ यहाँ अब मान लीजिए काम कर रहे हैं तो इसके आगे इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं, यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी आकर के रुक जाएगी और पीछे का जो ब्रेकर है वो आपका ट्रिप कर जाएगा और किसी प्रकार से कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी। तो दो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, जब भी सप्लाई कट जाए उसके बाद इस प्रकार से आप जम्पर डाल दीजिए, तीनों को शॉर्ट कर दीजिए, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और डिस्चार्ज रॉड से हर एक कॉन्टैक्ट को आप डिस्चार्ज कर लीजिए, फिर आप वहाँ पर काम करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो डिस्चार्ज रॉड होती है उसका क्या काम होता है और किस प्रकार से वहाँ पर काम किया जाता है। इसके अलावा सेफ्टी दस्ताने वगैरह तो आप जानते ही होंगे, सेफ्टी दस्तानों का उपयोग करके ही किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।